सो गाइस, यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझको पूछते हैं कि हमारे डिवाइस में MIUI 12 का अपडेट कब आएगा, हमारे डिवाइस में MIUI 12 का अपडेट कब आएगा। 2000 years later. सो यहाँ पर अपडेट के बारे में बात करें तो अपडेट तो MIUI वालों की जब यहाँ पर मर्जी होगी वो अपडेट देंगे, बट आज हम यहाँ पर कुछ अलग चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर मेन प्रॉब्लम क्या है, क्यों हमें अपडेट लेट मिलता है, इसके बारे में वीडियो में बात करने वाले। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए ताकि आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएं। एंड यहाँ पर MIUI मतलब MIUI जिसको आप लोगों ने नाम दिया MIUI, काफ़ी अच्छा नाम है, मुझे काफ़ी पसंद आया। सो यहाँ पर इसके लिए तो एक लाइक बनता है, सो नीचे जो है लाइक वाला बटन दबा दीजिए, टारगेट करते हैं 500 लाइक्स का। सो गाइस बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए लेट्स बिगिन। सो गाइस यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले पूछना चाहता हूँ कितने लोगों को MIUI 12 का अपडेट मिल गया एंड उनके डिवाइस का नाम जो भी है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस यहाँ पर बात करते हैं क्यों हमें अपडेट में डिले होता है एंड क्यों अपडेट हमें इतना लेट मिलता है MIUI 12 का या कोई भी एंड्रॉइड का, यहाँ पर कुछ भी अपडेट आए वो इतना लेट क्यों मिलता है हमें Xiaomi डिवाइस में। सो यहाँ पर हम सीधी सीधी बात करते हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं Xiaomi वाले आए दिन बहुत सारे फ़ोन लॉन्च करते रहते हैं। फ़ोन लॉन्च करना एक अच्छी बात है, वो लोग अपनी कंपनी बढ़ा रहे हैं, डेफिनेटली बढ़ानी चाहिए, बट यहाँ पर मेन एक प्रॉब्लम आती है जब वो एक फ़ोन को लॉन्च करते हैं चार नाम से। जैसे कि फ़ोन लॉन्च हुआ Redmi Note 8 Pro या Redmi Note 9 Pro, उसे चाइना में लॉन्च करेंगे किसी और नाम से एंड उसे यहाँ पर यूरोप में लॉन्च करेंगे किसी और नाम से एंड उसे रशिया में लॉन्च करेंगे किसी और नाम से, इंडिया में लॉन्च करेंगे किसी और नाम से। सो यहाँ पर क्या करते हैं ये, उसके बाद भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम मेन जो आती है वो ये होती है कि इन सारे मॉडल का जो है ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेट प्रोवाइड करते हैं। सो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर यूरोप की रोम आई है, यहाँ पर रशिया की रोम आई है, यहाँ पर चाइना की रोम आई है, यहाँ पर ग्लोबल स्टेबल इंडिया रोम आई है, ग्लोबल चाइना रोम आई है। सो ये सब बातें तभी आती हैं क्योंकि ये डिवाइस एक ही होता है, एक ही डिवाइस के लिए जब हम यहाँ पर 5, 6, 7, 8 अपडेट देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर ऑफकोर्स डिले होगा। अगर एक फ़ोन बनता तो वहाँ पर एक फ़ोन को ग्लोबली सेल करते तो यहाँ पर सभी को जो है एक टाइम पे अपडेट मिलता एंड काफ़ी ज़्यादा अपडेट मिलते जिससे आपकी परफॉर्मेंस भी सुधरती एंड यहाँ पर ये फालतू चीज़ें भी नहीं होती एंड आपको टाइम टू टाइम रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहते एंड आपके फ़ोन की सिक्योरिटी भी बनी रहती। बट Xiaomi वाले ऐसा कुछ नहीं करते, उनको बस अपनी कंपनी बढ़ाने से मतलब है। कंपनी बढ़ा रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आप कस्टमर का जो ट्रस्ट है उसे भी बढ़ा रहे हो, लेकिन वहाँ पर जब आप अपडेट्स नहीं देते हैं तो ये जो ट्रस्ट इतना बड़ा है ये आ जाता है इतने क्लोज एंड यहाँ पर बोलते हैं पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को दे। सो गाइस ये जो है ये मेन प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पर एक ही फोन को लॉन्च करते हैं 10 नाम से 10 कंट्री में एंड सभी के लिए जो है डिफरेंट अपडेट प्रोवाइड करते हैं, उसकी वजह से जो यहाँ अपडेट में डिले हो जाता है। एंड यहीं पे बात करें हम कुछ और चाइनीज कंपनी की, जैसे वन प्लस हो गई, वन प्लस के जो फोन लॉन्च होते हैं वो ऑल ओवर द ग्लोब जो है सेम फोन लॉन्च होते हैं, सो सभी को जो है अपडेट जो है सेम मिलता है। सो एक टाइम पे सभी को अपडेट मिलता है तो उससे क्या होता है, यहाँ पर अपडेट आपको फ्रीक्वेंटली मिलते हैं एंड यहाँ पर जो है रेगुलरली अपडेट्स मिलेंगे तो आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी एंड ये जो यूज़र के साथ इंटरेक्शन होता है, मतलब कोई बग किसी ने ढूंढा है एंड वो हम रिपोर्ट कर रहे हैं तो उस चीज़ को भी सुधारने में बहुत यहाँ पर जल्दी जो है ये अपडेट प्रोवाइड देके सुधार सकते हैं। बट MIUI में क्या होता है, इतने सारे फ़ोन हैं, इतनी सारी रोम है, हर किसी का अपडेट का हम बग प्रोवाइड करेंगे उन लोगों को, वो लोग एक फ़ोन के लिए अपडेट देंगे, फिर दूसरे फ़ोन के लिए देंगे, फिर तीसरे दिन के, तो इस चीज़ में थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉपरली ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जितने फ़ोन बना लिए हैं उनका अपडेट देने में इनको प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर इन लोग अगर बहुत सारे डेवलपर्स को रखे साथ में तो यहाँ पर जो है सारे फ़ोन को एक साथ अपडेट मिल सकता है, बट ये ऐसा नहीं करते हैं, ये बहुत डिले करते हैं फ़ोन के अपडेट देने में एंड कई कई फ़ोनों को तो ये अपडेट देना भी अब छोड़ देते हैं। कुछ 1, 2, 3, 4 अपडेट मिलते हैं नए नए फ़ोन को, उसके बाद ये उन लोग फ़ोन की परफॉर्मेंस को हटा देते हैं, मतलब इतना गिरा देते हैं कि वो लोग मतलब प्रोवोक कर देते हैं कि आप नया फ़ोन लो, अपडेट से आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस ख़राब कर देते हैं। सो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी मतलब बुरी बात है, कितना मतलब ये लोग गिर सकते हैं, आप सोच सकते हैं। सो गाइस ये जो है ये मेजर प्रॉब्लम है Xiaomi वालों की, अगर ये ग्लोबली एक फ़ोन लॉन्च करेंगे
तो डेफिनेटली जो है हमें अपडेट्स जल्दी मिलेंगे एंड काफ़ी परफॉर्मेंस में भी सुधार होगा, क्योंकि अपडेट्स के साथ जो है परफॉर्मेंस में सुधार करेंगे वो डेफिनेटली। एंड आई डोंट नो ये लोग इस चीज़ को ठीक करेंगे कि नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पर मेरे को नहीं लगता कि ये लोग अपने मार्केट को कम करने वाले हैं। ये लोग और बढ़ाएंगे, ऐसी 10 फोन और लगा देंगे एंड हर कंट्री में अलग अलग जाके बेचेंगे एंड यहाँ पर अलग अलग रोम प्रोवाइड करेंगे। बट एक बात हमें ये अच्छी मिलती है कि हमारे डेवलपर्स जो हैं कस्टम रोम जो हमारे लिए बनाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। सो आपके मन में जितना भी थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं डेवलपर्स को, तो वो डेफिनेटली कीजिए, क्योंकि यहाँ पर वो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। हर मंथ जो है ये लोग अपडेट लाते हैं एंड कुछ मेजर बग आ जाए तो तुरंत तो ये अपडेट देके उसे फिक्स कर देते हैं। सो यहाँ पर MIUI वाले काम नहीं कर रहे हैं, बट जो हमारे डेवलपर्स हैं वो काम कर रहे हैं। सो यहाँ पर जो कस्टम रोम के लिए सारा क्रेडिट जो है डेवलपर्स को जाता है एंड बहुत सारे, मैं कहूँगा यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द MIUI यूजर्स जो हैं वो जो है कस्टम रोम में स्विच हो चुके हैं, जितने मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। तो मेरे को पता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर Xiaomi के MIUI रोम से जो है कस्टम रोम में स्विच हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपको डेवलपर को सपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो वो डेवलपर शायद वो उस प्रोजेक्ट को साथ ना दे एंड वो प्रोजेक्ट छोड़ दे, जैसे कि अभी हुआ यहाँ पर Redmi Note 7 Pro के लिए पिक्सल रोम जो है अब यहाँ पर डिसकंटिन्यू हो गई, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डेवलपर उसके साथ अटैच नहीं है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि डेवलपर को सपोर्ट कीजिए जैसा भी आपसे बन पड़ता है, ताकि यहाँ पर जो है आपके फ़ोन को रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे कस्टम रोम में। स्टॉक रोम पे तो मैंने मतलब सोचना ही छोड़ गया, दिमाग मानना ही छोड़ दिया, क्योंकि मेरे को पता है वो लोग कुछ ऐसा देने नहीं वाले हैं। तो इससे बेटर है मैं कस्टम रोम में जो खुश हूँ उसमें अच्छी खासी परफॉर्मेंस मिल रही है, सो मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सो गाइस, आई होप सो कि वीडियो आपको समझ आई होगी, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि सभी को पता चल सके यहाँ पर MIUI वाले कैसे खेल रहे हैं हम सभी के साथ। सो गाइस, इस वीडियो हम यहीं पर एंड करेंगे, मिलते हैं ऐसे किसी न्यू इंटरेस्टिंग धासुपाड़ू वीडियो के साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट। सो गाइस, यहाँ पर आज का विचार है, पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तभी जाती है जब तैरना नहीं आता हो। उसी तरह परिस्थितियाँ कभी भी किसी के लिए समस्या नहीं लाती, समस्या तभी आती है जब आपको परिस्थितियों से निपटना नहीं आता।